हमारा चैप्टर बचा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो पहला वर्ड आता है, वो शुरू ही कहाँ से है, फोर्स से। फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स पढ़ा था, क्या होता था फोर्स, क्या होता था फोर्स बताओ, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, इफेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कॉज करे। और देखो फोर्स बेसिकली एफर्ट होता था, इफेक्ट नहीं कहेंगे एफर्ट। तो फोर्स बेसिकली कोई ऐसा एफर्ट है, कोई किसी तरह की कोशिश, किसी प्रकार का कोई चेंज क्रिएट हो जाए, जैसे कुछ इस टाइप का एफर्ट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ चेंज। कोई जैसे बच्चे ने कहा कि डिस्प्लेस करने की कोशिश, पोजीशन चेंज करने की कोशिश। दूसरी ये कोशिश हो सकती थी कि शेप चेंज हो जाए, जैसे मेरे पास अगर अब ये यहाँ पर कुछ है, मान लो इसका शेप ऐसा है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, शेप चेंज हो गया, कॉन्फिग्रेशन चेंज हो गई, इसकी शेप चेंज हो गया। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो इसका शेप चेंज हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ पड़ी और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो फोर्स बेसिकली, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर अब मैं ये जो बच्ची बोल रही है, क्या कर रही है, एक तरह से मैं दीवार पे धक्का मार रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली धक्का मार रहा हूँ, इस दीवार पे नहीं मारते, हिल जाएगा सब कुछ। तो अगर हम दीवार पे धक्का मारते हैं जोर से, तो अगर मैं दीवार पे धक्का मार रहा हूँ तो एफर्ट तो लग रहा है ना मेरा, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि चेंज हो रहा है कि नहीं। अब जैसे ये लगा लो, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं टूट रहा है, दैट डजंट मीन कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बट वो फोर्स को एफर्ट, जो एफर्ट है वो तो लग रहा है, पर वो एफर्ट कोई चेंज क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो वर्क डन जीरो हो गया है ना। लेकिन कोशिश तो है ना चेंज क्रिएट करने की, दैट सर्टेन एफर्ट इज नोन एज फोर्स। अब देखो जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या लगा रहा हूं, पुश। मैं इसको खींच रहा था, क्या लगा रहा हूं, पुल। मैं किसी और चीज को स्क्वीज कर रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, पुश। किसी और चीज को स्ट्रेच करूंगा, क्या लगाऊंगा, पुल। तो फोर्स तो पुश और पुल की फॉर्म में लगेगी है ना। अब वो कनेक्टिव फोर्स हो सकती है, कनेक्टेड मतलब किसी जो दो सर्फेसेस आपस में टच करें वो वाली फोर्स हो सकती है, या बिना कॉन्टेक्ट के, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स हो सकती है या नॉन कॉन्टेक्ट वाली हो सकती है। कॉन्टेक्ट वाली कब हुई, जब दो चीज़ों को टच किया। नॉन कॉन्टेक्ट कब हुई, दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, क्लोज आएंगे, खुद ही धक्का मुक्की होगी। दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ क्लोज लाया, बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के भी फोर्स है। ग्रेविटेशनल पुल, बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के भी वो नीचे हमें खींच ही रही है। लेकिन जो कॉन्टेक्ट फोर्सेज होती हैं वो कौन सी है, फ्रिक्शन। अगर जब तक अगर इन हाथों के बीच में टच नहीं हो रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर टच हुआ तो फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, कोई किसी प्रकार का कोई एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट, जो किसी तरह का कोई चेंज क्रिएट करने की कोशिश हो, होगा कि नहीं, वो वर्क डन होगा। ठीक है, तो फोर्स हमारा क्या है बच्चा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which tries to produce a change in the state of motion, ठीक है, which tries to produce change in the state of motion। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करे, मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करे, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके डायरेक्शन बदलने की कोशिश करे, और इन सारी कोशिशों को हम क्या कहते हैं कि ये फोर्स, डन है। फिर आता है इफ नेट फोर्स इज जीरो, अ बॉडी एट रेस्ट कॉन्टिन्यूज टू बी एट रेस्ट एंड द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कॉन्टिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ सेम स्ट्रेट लाइन, दिस इज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हमने फिर वही सेम चीज जो 9th क्लास में पढ़ी थी। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया यही था ना कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो कोशिश करेगा कि रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो वो कोशिश करेगा मोशन में ही रहे। तो ये क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, इनर्शिया है एक प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो अपने अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहती। Any property, it is the property by virtue of which an object doesn't want to change its state of motion. वो rest पे है तो वो rest पे रहना चाहता है, motion में है तो motion में रहना चाहता है, straight line में है तो straight line में रहना चाहता है। उस internal property को हम क्या कहते हैं, inertia। ठीक है, तो inertia basically है क्या, inertia it is the inherent property of the body by virtue of which they cannot change by themselves their state of rest motion along a straight line is called inertia। कि अपने आप वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। अगर कोई बाहर से फोर्स आएगी तो वो उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे।
अदरवाइज इंटरनल फोर्सेस के बेसिस पे वो कोई चीज अपनी डायरेक्शन पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी हमें पता है क्या होता है। मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। इट इज द नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तुमने कभी मोमेंटम को डे टू डे लाइफ में शब्द सुना है? क्रिकेट खेलते हुए या कुछ फुटबॉल खेलते हुए सुना है कभी कमेंटेटर्स के मुंह से? जब क्रिकेटर कॉन्टिन्यूसली शॉट मार रहा है, रन रेट मेंटेन कर रहा है, तो कमेंटेटर्स काफी बार कहते हैं टू विन दिस गेम बैट्समैन हैव टू कीप द मोमेंटम गोइंग। कि जो मोमेंटम जो चल रहा है उसको लगातार चलते रहना देना चाहिए, कीप द मोमेंटम गोइंग। या हम कहते हैं कि भाई हम नॉर्मल भाषा में क्या कह रहे हो, जैसे काम कर रहे हो तुम, करते जा रहे हो और बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच बीच में, तो तुम क्या करोगे? सर मोशन टूट रहा है। हम डे टू डे भाषा में लाइफ में क्या कहते हैं, ऐसे ही देसी सी तरीके से स्लैंग की तरह यूज करते हैं कि मोशन ब्रेक हो गया भाई, अब नहीं मजे आ रहे करने में। एक बारी फ्लो बना हुआ था, हो गया, अब वो फ्लो टूट गया मेरा। उसी को काफी बार क्या कहते हैं, मोशन टूट गया। अब वो मोशन टूटने का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम ब्रेक हो जाना। मोमेंटम ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ? मास इंटू वेलोसिटी। जो मास इंटू वेलोसिटी है, ये डे टू डे लाइफ में हम मोमेंटम को उस तरीके से बोलते जरूर है, लेकिन एक्चुअल में मोमेंटम है क्या? इट इज द नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन को कैसे डिफाइन करें? मोशन क्या होता है? मोशन की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी, वो भी मोशन है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। वेलोसिटी है, वो भी मोशन की वजह से है। मोमेंटम, वो भी मोशन की वजह से। एक्सेलरेशन भी मोशन की वजह से। लेकिन नेट कंटेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एक्चुअल में मोशन क्या है कि किस सर्टेन मास का मूवमेंट कितनी वेलोसिटी के साथ हो रहा है, दैट इज मोशन। अगर मैं यहां से इस मार्कर की कैप को फेंक के मारता हूं इस बच्ची को, और ये मार्कर फेंक के मारता हूं, तो दोनों बारी में ज्यादा दर्द किस में होगा? जब ये भारी वाला मारूंगा, सेम वेलोसिटी के साथ मारा था, क्यों? इसका मास ज्यादा है, तो इसका नेट कंटेंट ऑफ मोशन ज्यादा था, इसका मोशन कम था। अगर मैं इसके वेलोसिटी ज्यादा कर दूं, मास को कॉम्प्रोमाइज करें, तो शायद इसका मोशन ज्यादा हो जाता है। तो मोशन बेसिकली क्या बताता है? नेट कंटेंट ऑफ मोशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम, विच इज न्यूमेरिकली और फॉर्मूला वाइज हम किसके इक्वल कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। कोई परेशानी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम के यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। देन है बच्चा ये, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, और वेक्टर क्वांटिटी है। एस आई यूनिट क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड। एम एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। पी वन एम वन वी वन, पी टू एम टू वी टू, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ द टू मोमेंटम्स आर इक्वल, देन एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, और वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू एम वन बाय एम टू। डन है? फिर आता है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमारे लिए बहुत कुछ नया नहीं है, हमने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था इसका। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तुमने इसको किसी और ढंग से पढ़ा था, है ना? हमने कैसे पढ़ा था इसको? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। या तुमने पढ़ा था एन ऑब्जेक्ट विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसकी ना डायरेक्शन बदलेगी ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सिंस चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। तो हम इसी डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। बात समझ में आई? एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और इनर्शिया कितने तरह का होता है? अभी हमने जो पढ़ा था इनर्शिया क्या था, जो इंटरनल प्रॉपर्टी थी कि वो किसी तरीके की स्टेट चेंज ना होने दो, तो तीन तरह का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पता है हमें क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ट्राइज टू बी एट रेस्ट अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ओवर इट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था?
an object moving in certain motion will always be in the state of motion until or unless an external force is applied over it to stop it. और inertia of direction क्या था? Object moving in straight line will always tends to move in the straight line until or unless an external force is applied to change its direction. सीधी बात है, ये तीन तरह के inertia थे, inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction. यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम से बना रखा है, बहुत बेसिक सा, ये तुम जब मर्जी घर पे करके देख लेना, है ना, तुमने 9th क्लास में भी करके देखा होगा, नहीं किया तो ईजिली करके देख लेना, आज ही कर लो. चाहे एक कार्ड रखो ऊपर, जो प्लेइंग कार्ड होता है ना, प्लेइंग कार्ड को कप के ऊपर रखो, उसके ऊपर सिक्का रख लो, और यहाँ से अगर जो तुम कार्ड को हिट करोगे जोर से एकदम से, तो क्या होगा, सिक्का इसके अंदर गिर जाएगा. इसके बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स, और ये बहुत बेसिक सा है जो हम आराम से कर सकते हैं. एक चादर बिछा के टेबल के ऊपर, उसके ऊपर कुछ सामान रखना और चादर को एकदम से खींच लेना, तो सामान वहीं रह जाएगा. या सिंपल क्या तरीका होता है, अगर हमारे पास कोई गंदा कपड़ा होता है तो उसको हम झाड़ते हैं ऐसे करके, तो उसमें से डस्ट निकलती है. क्यों निकलती है? क्योंकि जब हम उसे झटका मारते हैं, तो जब इसको जोर से झटका मारते हैं तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोशन में आ गया तो वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, पर कपड़े ने पोजीशन चेंज कर ली, तो पार्टिकल्स इससे दूर हो जाते हैं और वो डस्ट निकल जाती है. पेड़ को हिलाते हैं तो पत्ते क्यों गिरते हैं? क्योंकि पत्ते रेस्ट पे थे, हमने एकदम से पेड़ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई. पत्ते जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, जो सूखे पत्ते हैं, वो वहाँ उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स के कॉज में उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती. पेड़ आगे हिल गया, पत्ता वहीं रह गया और वो नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, तुमने और चीज़ें देखी होंगी. इसके अगर हम एक दो और एग्जाम्पल्स की बात करें, अब ये जो बच्चा खड़ा है यहाँ पे, इसके ऊपर मैं पीछे से पुश करूँगा, तुम इसके ऊपर इसके हेड पोजीशन पे ध्यान देना. ठीक है, एक बार ध्यान से समझना इसे, मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ मज़े मत लेना, बेसिकली वीडियो को समझने की कोशिश करना. जब मैं यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे है. अब जब मैंने पुश किया, उसके हेड पोजीशन पे ध्यान दो, पूरी बॉडी आगे गई लेकिन हेड उसका उसी पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रहा था. तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या इसके अंदर, अगर जो तुम ध्यान से देखो, देखो जैसे ही मेरा पुश लगा यहाँ पे, वो दिख रहा है उसका, उसकी चेस्ट आगे को गई है और सर पीछे रह गया. वो क्यों हो रहा है ऐसा? बाकी पूरी बॉडी नीचे से भी, हाथ देखो, उसके हाथ वहीं हैं, दिख रहा है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, और फिर एकदम से उसके बाद वो आगे गया. वो क्यों हो रहा है ऐसा? जिस टाइम पे हम धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मारते हुए उसकी पूरी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन एक सर्टेन पार्ट जिस पे मेरी ओर से पुश लग रहा है, वो एकदम से मोशन में आ रही है. तो बाकी बॉडी पार्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस्ट पे उसी पोजीशन पे रहें, लेकिन सिंस दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो रेस्ट पे तो नहीं रह पाएंगे, और भगवान की दया से अच्छा है कनेक्टेड है, वरना गर्दन टूट के पीछे गिर जाती है ना. तो साथ में बाद में चली गई है, लेकिन पहली कोशिश क्या है कि वो पीछे को रह जाए अपनी पोजीशन पे. इसी वजह से हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं. इसी वजह से हम सीट बेल्ट में, लेकिन ऐसा केस नहीं है, सीट बेल्ट में क्या, ब्रेक लगते हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगते हैं हम आगे को गिरते हैं, तो हमारा सर लगेगा जाके डैशबोर्ड पे, जिससे सर में ज्यादा चोट आएगी. तो इसलिए सीट बेल्ट लगाएंगे तो सीट बेल्ट हमें आगे जाने से रोकते हैं. अगर कोई पीछे से आके टक्कर मारे, तो तुमने कभी नोटिस किया जो गाड़ी की सीट होती है उनके पीछे जो हेडरेस्ट होता है, मोस्ट अनकंफर्टेबल हेडरेस्ट है, कभी नोटिस किया? बीच में वो जो गैप होता है थोड़ा सा, उसकी वजह से ना तो वो हम बहुत ज्यादा रेस्ट पे आ पा रहे हैं और ना वो हमें नेक रेस्ट दे रहा है, तो उसका फायदा क्या हो रहा है फिर हमें, है ना. तो जो हम गाड़ी के बैक रेस्ट की बात कर रहे हैं, जो बैक रेस्ट नहीं स्पेसिफिकली नेक रेस्ट की बात कर रहे हैं, वो इतना अनकंफर्टेबल सा क्यों होता है? उसका काम तुम्हारी नेक को रेस्ट देना नहीं है. उसकी पोजीशन पे ध्यान दोगे तो वो इस तरीके से कि अगर पीछे से कोई टक्कर मारेगा तो गर्दन एकदम से पीछे नहीं जाएगी, वो बिल्कुल वहीं रोक देगा उसे. क्योंकि अगर वो थोड़ा पीछे कंफर्टेबल होता तब तक झटका लग जाएगा वो, और बहुत ज़्यादा आगे होगा तो हमें बेंड करके रखना पड़ेगा. तो वो बिल्कुल ना स्ट्रेट सी पोजीशन में होता है, इस तरीके से कि वो गर्दन पे झटका ना आने दे. क्योंकि इस केस में जैसा तुम देख रहे हो, जब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ बच्चे को, तो सेम गाड़ी अगर पीछे से टक्कर मारेगी तो गाड़ी में बैठे हुए का हेड पीछे की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके ऊपर इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से हमने वो पोजीशन बनाई हुई थी उसकी. समझ में आई है ये बात? क्लियर है बच्चा? तो ये हमारे पास बेसिक से एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा तुम्हें पता है जब गाड़ी के अंदर टर्न दे रहे होते हैं तो हम जो सेंटर है उससे दूसरी तरफ वो गिर रहे होते हैं, जिससे गाड़ी मुड़ रही है उसके अपोजिट साइड में गिर रहे होते हैं, वो क्यों है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये कुछ नया नहीं है, सेम हमने 9th क्लास के अंदर सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे कभी, है ना. अब हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. क्यों? ऐसा नहीं है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकेंड लॉ के थ्रू हम इन दोनों लॉज पे पहुंच सकते हैं. तो फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों के दोनों सेकेंड लॉ के अंदर समाये हुए हैं. अब ये सेकेंड लॉ ने क्या कहा था? सेकेंड लॉ ने बोला था
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट्स चेंज एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. क्या लिखा है यहाँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. रेट ऑफ चेंज का मतलब समय के साथ साथ होने वाला मोमेंटम में बदलाव, यही होता है रेट ऑफ चेंज, समय के साथ साथ होने वाला मोमेंटम में बदलाव. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. भाई जितनी ज्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उतना ही मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा. जैसे अब जो बच्चा खड़ा था उसके ऊपर मैं जितना ज्यादा जोर से धक्का मार रहा था उतनी ही ज्यादा तेजी से उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा था, उसके रेस्ट पोजीशन से वेलोसिटी एक्वायर होने के अंदर चेंज आ रहा था कि वो रेस्ट से एकदम से हाई वेलोसिटी पे जा रहा है. तो जितना तेजी से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उतना ज्यादा हाईली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, हुआ कि नहीं? यही न्यूटन सेकेंड लॉ है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई एंड दैट चेंज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मैंने आगे की तरफ धक्का मारा तो आगे की तरफ ही उसका एक्सेलरेशन हुआ था. बात समझ में आई है? ये क्लियर है बच्चा? तो यहां पे m हमारे पास क्या है? m इज द मास ऑफ बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, p i इनिशियल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी mu, v i फाइनल वेलोसिटी, साथ में लिखते चलो बच्चा, p2 फाइनल मोमेंटम, p2 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. हुआ कि नहीं? है ना? तो फाइनल मोमेंटम आ गया मास इनटू v1. नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम कितना आया? पी टू माइनस पी वन. टाइम टेकन कितना आया? टी टू माइनस टी वन और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. किसी को परेशानी? अब यहां पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगर मुझे इसे हटाना है तो मुझे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो मैंने यहां लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. अब ये किस तरीके से मैं लिख रहा हूं? ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं जितनी देर के लिए मैंने फोर्स लगाई. मतलब जैसे यहां मेरा हाथ है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे गया. जब मैंने इस पे फोर्स लगाई तो ये बिल्कुल इंस्टेंट के लिए लगाई, बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगाई है. तो वो जो स्मॉल टाइम है उतना छोटा है कि इट इज ऑल इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो. ठीक है? ये तो ये मैथ्स के अंदर हम करते हैं. जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर आया था अपना टेंथ के, ये अपना प्लस वन के अंदर मैथ्स में, तो तब हमने पढ़ा है ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मीनिंग क्या है. दैट मीन्स फोर्स सिर्फ उतने से टाइम के लिए लग रहा है कि वो टाइम ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है. ठीक है? तो वो इंस्टेंटेनियस फोर्स लगी है. इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया के, और ये पी टू माइनस पी वन को डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा, और जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होता है तो उसको मैं डी पी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? k टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ एम वी, और m टाइम्स मास बाहर आ गया डी वी बाई डी टी. ये पता चल रहा है ना मैंने क्या किया? मास तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर लिख लिया, और k की वैल्यू क्या होती है? वन. तो ये डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन. बात समझ में आई है? यहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वन. यहाँ पे जो हमारे पास k है इसकी वैल्यू वन पुट हो जाती है, मास हमारा डेरिवेटिव से बाहर आया तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो गया. किसी बच्चे को परेशानी? या dp by dt को मैं सीधा लिख लूं p2 minus p1 by t, mv minus mu by t, मास बाहर v minus u by t, और v minus u by t को मैंने acceleration लिख लिया. सॉर्टेड है? तो यहां से मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इनटू acceleration. किसी बच्चे को परेशानी इसमें? अब फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन. मास क्या होता है? kg. acceleration होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये किसमें है? mks, है ना? थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट याद है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने करी थी. तो तीन सिस्टम ऑफ यूनिट में से पहली जो यूनिट है वो है एमकेएस, जिसमें मास हमारा केजी रहेगा, है ना? मास हमारा केजी के अंदर रहता है, डिस्टेंस हमारा मीटर्स में रहता है, टाइम हमारा सेकंड्स में रहता है. और वन डाइन, डाइन क्या है इसकी? छोटी वाली यूनिट सीजीएस, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन्स. डन है ये? डायमेंशन एमएलटी माइनस टू, ये हमें पता है फोर्स की डायमेंशन. किसी बच्चे को इसमें परेशानी? 1 kg वेट और 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg इनटू 9.8 टाइम्स 9.8 इनटू मतलब बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये क्या हुआ? 1 किलो वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर 1 kg का वेट है, मेरे हाथ पर 1 kg का वेट रखा है, तो वो 1 kg का वेट 9.8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा होगा मेरे हाथ पर. ये हमने क्यों लिखा है? ताकि क्वेश्चंस के अंदर जहां वेट गिवन होगा
उस वेट को अगर मुझे फोर्स की तरह यूज करना है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर वो केजी में गिवन होगा। ये लिख लो, ये याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें वेट ग्राम में गिवन है तो हम ग्राम को क्या करेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेसिकली मीटर पर सेकेंड जो 9.8 था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको मैंने 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख लिया क्योंकि डाइन्स है वहां पे, तो वो 1 ग्राम की जगह पे 980 डाइन्स आ गया। डन है, क्लियर है बच्चा? तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। डन, एक काम करो, ये एक न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट करो बच्चा। अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 m/s टू 3 m/s इन 25 seconds। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। निकालो इसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालो, अटेम्प्ट करो फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों करना क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो बच्चा सीधा है, मास 3 kg गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, टाइम गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, स्टैंडर्ड ऑलरेडी वैल्यू सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर है ही। हमें वेलोसिटी किस में चाहिए होती है, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में चाहिए होता है, सेकंड्स में, मास किस में चाहिए, केजी में, तो फोर्स किस में निकलेगी, न्यूटन में, सीधी बात है। एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोशन, सॉर्टेड, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ये अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s अंडर द एक्शन ऑफ अ फॉरवर्ड फोर्स 1000 N एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 N ड्यू टू फ्रिक्शन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 seconds। करो अटेम्प्ट इसे। हाँ जी, कर लिया अटेम्प्ट सबने। देखो बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, बहुत सीधी सी वैल्यूज थी, मास गिवन है 1000 kg, यू गिवन है 10 m/s, वी निकालना है, फोर्स। अब यहां देखो दो तरह की फोर्स लग रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं 1000 N के साथ आगे की तरफ चीजों को, उसको बेसिकली हमारे पास जो भी ये क्या है मूविंग विद जो कार है, 1000 N की फोर्स के साथ कार को आगे की तरफ खींचा जा रहा है, 500 N बैकवर्ड साइड है, तो नेट फोर्स कितना है, 1000 - 500, 500 N की फोर्स हो गई। एक्सेलरेशन के हिसाब से हम निकाल लेंगे, F is equal to ma, 500 is equal to 1000 into a, acceleration निकल गया 0.5 m/s². Done, acceleration क्या होता है, change in velocity upon time taken, time हमें already given है 5 seconds, velocity निकल गई 12.5 m/s। बहुत ज़्यादा basic सा question था, तो ये कुछ ऐसे questions है जो हमने junior classes में attempt किए हैं उस तरह के। अब आता है Newton third law, Newton third law क्या कहता है बच्चे, Newton third law है, every action has equal and opposite reaction, है ना, ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लॉ है तुम्हारे लिए। हम ये कहते हैं मैं तेरे थप्पड़ मार दूं तुम मेरे मार दो, ऐसे वाला पार्ट, मैं तुम्हें मारूंगा तुम दर्द मुझे भी होगा, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि एक्शन लगेगा तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। क्यों, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा, कभी अकेला एक्शन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि फोर्सेस कभी भी सिंगली एक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दीवार पे धक्का मार रहा हूँ तो दीवार भी मेरे पे बराबर धक्का मार रही होगी, वो अलग बात है कि सर किसका फूटेगा, अगर मैं जाके दीवार को टक्कर मारूँ तो मेरा सर फूटेगा, दीवार नहीं फूटे शायद, वो कहानी वहाँ पर वर्क डन की अलग आ जाती है। लेकिन जब मैं अगर दीवार को धीरे से मार रहा हूँ तो दीवार भी मुझे धीरे मार रही है ना, मेरे हाथ पे कम दर्द हो रहा है, अगर मैं जोर से मार रहा हूँ दीवार को तो मेरे हाथ पे उतना ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब मैं जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतनी ही फोर्स मुझे रिएक्शन के तौर पे हाथ पे फील हो रही है कि नहीं, है ना। तो एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन, और हमेशा फोर्सेस क्या होंगे, पेयर्स में एक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन, फोर्स ऑन ए बाय बी, एफ ए बी is equal to minus FBA, negative sign indicate करता है कि वो opposite direction में, force on B by A, simple बात है ये। अगर यहाँ पे हमारे पास ये दो object हैं और एक दूसरे पे force लगा रहे हैं, तो FAB का मतलब क्या हुआ, force on A by B, FBA का मतलब force on B by A, ठीक है। और net change in momentum क्या होता है बेटा, delta P1 plus delta P2 is equal to zero, delta P1 is equal to minus delta P2, ये मैंने क्या लिखा अब यहाँ पे, फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी मस्ट बी एक्जैक्टली इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, और डी पी वन बाई डी टी मस्ट बी इक्वल्स टू डी पी टू बाई डी टी, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, ये जो है हमारे पास ये क्या बनता है, ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट आ गए, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं, ये सिंपल बात है। देन तीन लॉ समझ में आ गए हैं, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और हमें साथ में समझ में आया थोड़ा सा मोमेंटम। अब एक टर्म आती है बच्चा, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स है द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, जो बहुत इंस्टेंट के लिए काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फोर्स। कई बार वर्ड सुना होगा ये, हम क्या बात करते हैं, इम्पल्सिव एक्शन था, जोश जोश में हो गया, है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में मुक्का मार दिया, ये कहाँ आ रही है, ये इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एकदम से एक्ट होती हैं, तो दैट इज इम्पल्सिव एक्शंस। तो इम्पल्सिव फोर्स भी वही चीज़ें हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कोई फोर्स एक्ट करती है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से गिराता हूँ तो जब ये नीचे गिरेगी सरफेस पे, तो गिर के एकदम से बाउंस बैक करेगी, तो ये सरफेस के साथ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्टेड रहेगी, और उस टाइम पे जो दोनों के बीच में फोर्स लगी वो क्या हुई, इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आई ये बात, जैसे हम बॉल को अगर फेंकते हैं इसकी तरफ, दीवार की तरफ, तो बॉल जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, बॉल दीवार के साथ बहुत थोड़े टाइम के लिए कनेक्टेड रहेगी, उसी वक्त ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन और रिएक्शन लगाएंगे, तो वो जो फोर्स लग रही है वो स्मॉल इंस्टेंट के लिए वो क्या होगी, इम्पल्सिव फोर्स। देन अब इम्पल्सिव फोर्स में इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या होता है, मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, एफ इज गिवन बाई डी पी बाई डी टी, एफ टाइम्स डी टी इज इक्वल टू डी पी, क्या किया मैंने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां से। अब मुझे अगर स्मॉल फोर्स या स्मॉल चेंज इन मोमेंटम की जगह टोटल मोमेंटम निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूं, एफ डी टी जीरो से टी के बीच में इंटीग्रेट, डी पी पी वन से पी टू के लिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालनी होती है, तो मैंने एफ जो है वो एवरेज फोर्स की तरह लेके बाहर निकाल लिया, और टाइम जीरो से टी के बीच में इंटीग्रेट किया, मोमेंटम को पी वन से पी टू के बीच में इंटीग्रेट किया। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी जीरो से टी लिमिट, पी का डी पी का इंटीग्रेशन बना पी, पी वन से पी टू तक लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार यहाँ टी की जगह टी डाल दिया, एक बार लोअर लिमिट जीरो डाल दिया, यहाँ पी की जगह एक बार पी टू सब्सटीट्यूट किया, और एक बार यहाँ माइनस पी वन सब्सटीट्यूट किया, तो ये जो हमारे पास इम्पल्स आया वो क्या आ गया, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आया नहीं, फिर से समझो एक बार, मैं समझाता हूँ इसको ना, देखो बच्चा हमने किया क्या है, हमारे पास है डी पी बाई डी टी, अपने पास फोर्स होता है कि नहीं, ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इन टू टाइम आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ टोटल चेंज निकालने के लिए, अब डी पी में क्या चेंज आएगा, पी वन से पी टू तक, पी टू तक इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक, टाइम कितना चेंज होगा, जीरो से लेके टी तक, जब टाइम जीरो था मतलब जब हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक्त मोमेंटम कितना था, पी वन, जब टाइम टी हो गया उस वक्त मोमेंटम कितना चेंज होके हो गया, पी टू, तो ये इनिशियल मोमेंटम एट टाइम जीरो, फाइनल मोमेंटम एट टाइम टी। डन, अब इंटीग्रेट जब करेंगे, देखो डी पी के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अंदर कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से वन इंटू डी पी लिख लो, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ बन गया पी। ऐसे ही फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पर एवरेज फोर्स की तरह लेके उसे अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी जीरो से टी। अब इंटीग्रेशन में वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टी माइनस जीरो। डन है, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, आई से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर बात है, और न्यूटन सेकेंड जो हमारे पास आ गई है इसकी यूनिट आ गई है, क्लियर बात है बच्चा, ये समझ में आया। तो हमारे पास जो इम्पल्सिव फोर्स है, अब है क्या, देखो जब हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच इम्पैक्ट लास्ट
इज मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंपैक्ट. यही हमने किया. इंपल्स क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. पी टू माइनस पी वन के इक्वल था, है ना. और इंपल्स का फॉर्मूला क्या हुआ? ये डायमेंशन क्या हुई? फोर्स इन टू टाइम एम एल टी माइनस टू विच इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन. न्यूटन सेकेंड या के जी मीटर पर सेकेंड, डाइन सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट्स आ गई, ठीक है. और इस वक्त टाइम जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए. क्लियर है? अब इंपल्स जो होगा एफ वन टी वन इज इक्वल टू एफ टू टी टू, ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जो इंपल्स है इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अब मैं ये कहूं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कॉन्स्टेंट है दोनों के अंदर, नेट चेंज इन मोमेंटम क्या है अगर वो कॉन्स्टेंट है, तो एफ वन टी वन मस्ट बी इक्वल्स टू एफ टू टी टू. जब फोर्स इंटू टाइम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, ठीक है. फोर्स इंटू टाइम हमेशा किसके इक्वल होगा? कॉन्स्टेंट के इक्वल. तो अ गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स फॉर अ स्मॉलर टाइम और बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स फॉर अ लार्जर टाइम. दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. मतलब मुझे एक तरह का चेंज क्रिएट करना है किसी तरह का, तो मैं कैसे कर सकता हूं? या तो मैं बहुत कम फोर्स ज्यादा देर तक लगाता रहूं, धीरे 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 मारे जा रहे हैं. कोई कहानी है सौ सुनार के एक लोहार की, भाई सुनार के अगर धीरे 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 मारे जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मारे जा रहे हैं, सौ बार मार रहा है लोहार, एक ही बारी में मार रहा है ठक करके. क्या कर रहा है? उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई बहुत कम टाइम के लिए. पहले वाले ने क्या करी थी? बहुत कम फोर्स लगाई लेकिन बहुत ज्यादा देर तक फोर्स लगा रहा था वो, है ना. तो दोनों ही तरीके से सेम तरह का इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है. क्या कर सकते हैं? या तो फोर्स ज्यादा कर दो टाइम कम कर दो, या टाइम ज्यादा कर दो फोर्स कम कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है ना. प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? फोर्स इंटू टाइम जो है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है. तो मुझे अगर फोर्स को 100 करना है तो टाइम को 2 कर दो तो भी 200 आ गया, या फोर्स को मैं 2 कर दूं और टाइम को 200 कर दूं, टाइम को 100 कर दूं तो भी ये 200 आएगा. आया कि नहीं, है ना. तो मैं इनमें से किसी एक चीज को बढ़ा दूं दूसरी कम कर दो, एक चीज दूसरी को कम बढ़ा दो तो पहली चीज कम हो जाएगी. अब इसका डे टू डे लाइफ में, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. उन बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर क्या है एप्लीकेशन? सबसे पहला, व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द सीमेंटेड फ्लोर, उसको चोट लगती है कि नहीं? ये तो तुमने देखा हुआ है. या फिर एक सिंपल, ये जो नाइन्थ क्लास के अंदर हमने किया था, ये कैच करने वाला, ये देखा है, याद है? कैच करते हुए जो प्लेयर होता है वो बॉल को पकड़ के हाथ पीछे को क्यों खींचता है ना? ताकि उसे लगे ना और कैच छूटे ना. क्योंकि अगर वो सीधा हाथ रखेगा तो बॉल आएगी टप्पा खाएगी और निकल जाएगी हाथ से, उसके दर्द भी होगा और बॉल कैच छूट जाएगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, जब बॉल आ रही है तो किसी फोर्स के साथ आ रही है. मैंने हाथ आगे किया ठक करके, एकदम से वो क्या हो गई? रेस्ट पे हो गई. चेंज इन मोमेंटम इंस्टेंटली हो गया, टाइम बहुत कम लगा उसे रेस्ट पे आने में. अगर टाइम बहुत कम लगा तो सिंस चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है भाई, अगर वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लेट अस अज्यूम आ रही थी, इतनी तेज आ रही थी, 60 मीटर पर सेकंड से एकदम से अगर वो रेस्ट पे आएगी तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. अगर टाइम जितना कम होगा, जितने फ्रैक्शन टाइम घटेगा फोर्स उतनी बढ़ जाएगी, है ना. तो वो बहुत ज्यादा हाथ पे दर्द होगा और वो बॉल बाउंस भी कर जाएगी. लेकिन अब मैंने क्या किया, जैसे ही बॉल आने लगी मैंने हाथ को पीछे ड्रैग कर दिया साथ में, मतलब मैं यहां रेस्ट पे उसे 60 से 0 पे लाने की जगह मैं उसे 60 से कैसे लेके आ रहा हूं, 60 50 40 30 20 0. तो यहां तक जब मैंने टाइम को 5 गुना बढ़ा दिया तो स्पीड जब 5 गुना मतलब 5 टाइम्स टाइम ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो फोर्स 5 टाइम्स कम होगी. अब ना तो मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है ना बॉल हाथ से छूटेगी. समझ में आ रही है वाली बात? इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली वही सब, कि अगर हम फर्श पे कूदते हैं तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि फर्श पे जैसे ही हम गिरते हैं ठप करके, बिल्कुल कंक्रीट है, जैसे ही गिरे ठप एकदम से हम रेस्ट पे आ गए तो दर्द बहुत हुआ. लेकिन अगर वहां कोई गद्दा है या मिट्टी है, तो अगर हम गद्दे का एग्जाम्पल है, तो कुशन पे जब जंप करेंगे तो कुशन क्या होता है, हमारे साथ साथ में नीचे जाता है थोड़ा सा, कुशन यही करता है ना. तो हमारे जो टाइम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया उसने रेस्ट पे लाने में, टाइम इंक्रीज हो गया, फोर्स रिड्यूस हो गई, हमें दर्द कम हुआ. एक और होता है, जब हम जंप करते हैं तो हम सीधा नहीं जंप करते, हम जंप करने के बाद थोड़ा बेंड करते हैं. और जो पार्कौर करते होते हैं, डाइव करते होते हैं, उन्हें देखा है, वो जंप करने के बाद, इवन प्लेयर्स भी डाइव मारने के बाद रोल करते हैं अपनी बॉडी को, है ना.
तो रोल क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो रोल करते हैं तो बॉडी एकदम से रेस्ट पे नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा टाइम लेके रेस्ट पे आती है। ये बात समझ में आई है? तो यहाँ पे हमारे पास एक तो वो सर्टेन हाइट वाला सीमेंटेड वाला समझ में आ रहा है, तो पार्कर वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि बॉडी रोल कर रहे होते ताकि वो इंस्टेंटली रेस्ट पे ना आए, तो फोर्स कम लगे उन पे, टाइम जितना बढ़ जाएगा। ऐसे एग्जांपल क्या, चाइना वेयर्स एंड ग्लास वेयर्स आर रैप्ड इन पेपर, और ये हमारे पास ये जो स्ट्रॉ पीसेज होते हैं इनके अंदर क्यों रैप करते हैं, क्योंकि जितना कुशन मिलेगा उतना उन पे इम्पैक्ट कम होगा, इम्पैक्ट कम होगा तो टूटेंगे नहीं, सीधी कहानी है। हर पार्ट पे करना क्या, टाइम बढ़ाना भी, टाइम बढ़ा दो फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी दर्द कम होगा, दर्द कम होगा या चोट कम लगेगी, या फिर ये कहो कि चीजें टूटेंगी नहीं, है ना, ब्रेकेज वाला पार्ट नहीं आएगा उसका। व्हीकल्स जो होते हैं स्कूटर्स कार बस ट्रक आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। शॉकर्स का काम क्या है, अगर जिस साइकिल में स्कूटर पे शॉकर ना हो तो क्या हो रहा है, चलते चलते एकदम से खड्डे में बज रहा है, बहुत कम टाइम हो रहा है, कम टाइम के अंदर एकदम से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, रेस्ट पे आ रहा है वो। अगर शॉकर होंगे तो टाइम लगता है उसे, टाइम मुद्दा सारा एक ही है, टाइम बढ़ा दो फोर्स कम हो जाएगी। किसी भी तरीके से उस चेंज इन मोमेंटम वाले में मोमेंटम तो चेंज होना ही होना है, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन उस चेंज इन मोमेंटम वाले उस कांस्टेंट पार्ट के बारे में अगर मैं फोर्स को कम करना चाहता हूं तो टाइम घटा दो, टाइम घटा देंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डन है, ये सारा इसी के एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएंगे तो मुझे बता देना, ठीक है, और डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ रहा है, हर एग्जाम्पल के अंदर कहानी ये की है कि हमें टाइम इंक्रीज कर देना है। डन है बच्चा, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ के ये जो एग्जांपल्स हैं इलस्ट्रेशन से यहाँ से होते हुए नेक्स्ट टॉपिक, आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। डन।